इन एन चीजों में कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं है फिर हमसे पूछा जाता था इन चीज n एन, एन चीजों में आप आर चीजों को सिलेक्ट करो और ये आ, काम आप कितने अलग अलग तरीकों से करो या कभी हमसे पूछा जाता था एन में से एन को सिलेक्ट करो ये काम आप कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो डैट इज एन सिंपल अभी हम अभी तक जो हमने थॉमस पढ़ी या क्वेश्चन के हमें जो गिवन ऑब्जेक्ट दिए जाते थे जो गिवन चीजें हमें दी जाती थी चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो डिजिट्स हो या कोई और पर्सनस हो वो सब के सब डिफरेंट होते थे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते थे कोई भी दो चीज़ें एक जैसी नहीं होती थी फिर हमसे पूछा जाता था कि आप कितने अलग अलग परमिटेशन बना सकते हो लेकिन आज हम एक नई थॉर्म पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन कंसेप्ट में क्या है कि हमें जो गिवन एन चीजें दी जाएंगी वो एन चीजें सब के सब डिफरेंट नहीं होंगी उन एन चीजों में कुछ चीजें एक जैसी होंगी सपोज कभी आपको कुछ लेटर्स कुछ अल्फाबेट्स दिए जाएंगे लेकिन उन अल्फाबेट्स में से कुछ अल्फाबेट्स एक जैसे होंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ इन अल्फाबेट्स का यूज करके आप कितने अलग अलग परमिटेशन बना सकते हो चलो ये चीज हम आज सीख लेते हैं और शुरू करते हैं कुछ के साथ ताकि हमें ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए फिर मैं लास्ट में थॉम का स्टेटमेंट लिखाऊंगा उसके साथ फिर हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करेंगे सपोज अगर आपसे पूछा जाए आप वर्ड बुक के लेटर्स से कितनी अलग-अलग परम्यूटेशंस बना सकते हो ये जो एक वर्ड है दैट्स बुक यू नो दैट एंड इसमें कितने अल्फाबेट्स है टोटल चार कौन-कौन सा है बी है ओ है और ए को है और के है इस वर्ड बुक में हमारे पास चार अल्फाबेट्स है आपसे पूछा जा रहा है इन चार अल्फाबेट्स इन फोर अल्फाबेट्स का यूज करके आप कितने अलग अलग एनेग्राम्स बना सकते हो एनाग्राम से मतलब वर्ड्स जिन वर्ड्स की मीनिंग हो या ना हो आप इन चार अल्फाबेट से कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमें चार अल्फाबेट्स गिवन है उन चार अल्फाबेट्स में दो अल्फाबेट्स एक जैसे हैं दैट इज बी डिफरेंट है ओ के डिफरेंट है लेकिन ये दो ओज एक जैसे हैं अगर एक्चुअल में हम देखें तो हमारे पास तीन ही डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। बात आ रही ना समझ में अब देखो हमें क्या है। चलो हम इस क्वेश्चन को अभी मैनुअली करते हैं इन चार अल्फाबेट्स से हम कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं जिन वर्ड्स की मीनिंग हो या ना हो हमें उसे कोई लेना देना नहीं है हम क्या करेंगे फॉर टाइमिंग के लिए मैं मानता हूं ये जो दो हैं हमारे पास given, एक ओ का हम नाम रख देंगे ओ वन और दूसरे ओ का नाम मैं दूंगा ओ टू ताकि ये दो अलग -अलग ओस दिखे, ये एक जैसे हैं चलो हम अलग अलग वर्ड्स देखते हैं कितने बना सकते हैं चाहे उनकी मीनिंग हो या ना हो से एक हम बनाएंगे बी ओ वन ओ टू के ये बनाएगा ना चार लेटर का एक वर्ड अब मैं क्या करूंगा मैं बी और के की पोजीशन चेंज नहीं करूंगा मैं बी और के की पोजीशन चेंज नहीं करूंगा सिर्फ उन लेटर्स या उन अल्फाबेट्स की चेंज करूंगा जो एक जैसे हैं। मैं क्या करूंगा बी को यहीं पे रखूंगा के को यहीं पे। अब ओ टू को यहां पे लिखूंगा ओ वन को यहां पे। तो बनेगा ओ टू ओ वन अगर मैं ओज के सा, सब one two साथ सब सिक्रिप्ट डेट्स वन ओ टू साथ रखूंगा तब ये दो अलग अलग वर्ड्स दिख रहे हैं बी ओ वन ओ टू के यहाँ पे बी ओ टू ओ वन के तो अब मुझे लग रहा है कि ये दो अलग अलग वर्ड्स है लेकिन जब मैं इन दो ओज के जो सब स्क्रिप्ट है उनको हटा दूंगा डेट्स वन एंड टू जबकि उनके साथ वो साथ नहीं है तो मुझे ये वाला बनेगा बी डबल ओ के बुक ये वाला की क्या बनेगा बी ओ -O के -O तो एक्चुअल में ये एक ही वर्ड है जबकि ये दिखने में दो अलग अलग वर्ड्स लग रहे हैं बात आ रही ना समझ में हमने जस्ट समझने के लिए इन दो ओज के साथ ही सबसे क्रिप्ट रखे ओ वन एंड ओ टू ताकि ये कुछ देर के लिए हमें दो अलग अलग ओज लगे जबकि जब, तो जब तो पोजीशन जब चेंज की थी हमने दो अलग अलग वर्ड्स बनाए जबकि दूसरे अल्फाबेट्स को हमने फिक्सड रखा था जबकि एक चुन में अच्छा चलो और, और एक देखते हैं ओ वन बी ओ टू के। यही ना एक वर्ड इस वर्ड की मीनिंग हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है इसलिए इन वर्ड्स को जिनकी मीनिंग हो या ना उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में एनाग्राम्स ए ए एन जी आर एम -E एस तो अब मैं बी और के को रखूंगा इनकी पोजिशन में बदल दूंगा नहीं सिर्फ ओ की पोजिशन बदल दूंगा इस ओ टू को यहां पर लिखूंगा इस ओ वन को यहां पर लिखूंगा बी और के की पोजिशन में सेम रखूंगा तो मुझे दो अलग अलग वर्ड्स मिले लेकिन जबकि अब मैं O1 और O2 की जो ये 1 और 2 सबस्क्रिप्टस हैं इनको मैं हटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे O B O K ये भी क्या बनेगा O B O K तो सिमिलरली ओ तो इस एग्जांपल से मुझे क्या पता चलता है इससे मुझे ये पता चलता है अगर मुझे गिवन एंड चीजें दी जाएगी सपोज जब के यहां पे है कि हमारे गिवन चार चीजें हमें दी गई थी लेकिन उन चार चीजों में हमें दो चीजें एक जैसी थी अब हम अब हम अगर इन चार ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट माने अगर मैं इन चार ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मानू चार में से हमें कितनों का यूज करना था चार लेटर्स का अगर हम इस पे डायरेक्टली जो अभी तक हमने थॉर्म्स पढ़ी ना उन थॉर्म्स का यूज करूंगा वो थॉर्म हमें कहती है चार परमिटेशन ऑफ फोर ऑब्जेक्ट टेक इन फोर एट ए टाइम डेट फोर पी फोर आए ना एंड विथ रिपीटन ऑल्सो एंड वो किसके इक्वल होगा वो आएगा आपको किसके इक्वल एंड फोर फैक्टोरियल के इक्वल सो रिपीटेशन आएगा कितने के इक्वल आएगा पावर के। चार चीजों को अगर आपको चुनना हो चार में से चार का एंड विथ रिपीटेशन हो आप रिपीट भी कर सकते हो चीजों को चलो विथआउट रिपीटेशन अभी लेते हैं विथ आउट तो वो होता है आंसर फोर फैक्टोरियल आपने पढ़ा है एन पी एन होता है एन फैक्टोरियल के इक्वल जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो चलो इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम कितने तरीकों कितने अलग अलग फोर लेटर वर्ड्स बना सकते हैं फोर फैक्टोरियल उसका मतलब हुआ फोर टाइम्स थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन विच इज एक्चुअल ट्वेंटी फोर तो जो हमने प्रीवियस थॉरम पढ़ी थी हाँ वो हमें कहती थी अगर आपको गिवन चार लेटर्स आपके पास हो चार में से चार का यूज करना हो आप कितनी अलग अलग परमिटेशन परमिटेशन से मतलब यहां आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो विधाउट वो होता है फैक्टोरियल के इक्वल इज टोटल हमारे पास वर्ड्स ऐसे बनेंगे लेकिन वो जो थॉर्म है ना अगर उसका यूज करेंगे वो मानेगी वो थॉर्म ये एक वर्ड है ये दूसरा वर्ड है ये तीसरा वर्ड है ये फोर्थ वर्ड है तो ये वो कहती है कि ऐसे अभी हमारे पास चार वर्ड्स है फोर वर्ड्स है लेकिन क्या ये डिफरेंट वर्ड्स है जबकि हमने देखा ये दो तो हमारा answer जो 24 निकल ये गलत है ये ठीक नहीं है जो एक जैसे है लेकिन वो ने उनको दो दो बार गिना जैसे उसने इस वाले को भी काउंट किया इस वाले को भी काउंट किया जबकि इन दो के बजाय हमें एक ही को काउंट करना था तो आ गया ना क्वेश्चन का आंसर गलत अब हमारे पास क्वेश्चन है सर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करें देखो अभी तक हमने क्या देखा हमारे पास चार में से कितने ऑब्जेक्ट्स एक जैसे थे दो तो हम अगर इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बदल दें तो कितने-कितने ऑब्जेक्ट्स -कितने हमारे पास एक जैसे आ रहे हैं दो-दो दो यहां पे दो यहां पे दो यहां पे तो इस 24 के नीचे हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे क्यों 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज़ उसने तो इनको माना था दो अलग अलग वर्ड्स हम कहते हैं कि दो के बदले एक ही आना चाहे तो टू को टू से डिवाइड करेंगे तो वन डेट उसने सिर्फ बी ओ के को अब काउंट किया अब ओ बी ओ के को काउंट किया आई बात समझ में तो ट्वेंटी फोर अपॉन टू डेट्स ट्वेल्व डिफरेंट वर्ड्स इस टाइम बनेंगे तो एक एग्जाम्पल करते हैं से अगर हमें गिवन एक वर्ड दिया जाए पैपी पैपी वर्ड इस पेपी वर्ड में क्या है इसमें एक अल्फाबेट ऐसा है जो रिपीट हुआ है जो एक जैसा है कितनी बार आया है पी कितनी बार रिपीट हुआ तीन बार पी रिपीट हो रहा है तीन बार अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में हाउ मेनी फाइव लेटर वर्ड्स कितने पांच लेटर के वर्ड्स आप लोग बना सकते हो इस पेपी वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके आप तक हो तो सर आसान है हमारे पास गिवन फाइव अल्फाबेट्स है क्योंकि इस वर्ड में पांच अल्फाबेट्स है और यूज भी हमें एन फाइव है एन आर भी क्या है फाइव सर ये तो हुआ फाइव पी फाइव फाइव पी फाइव हो गया के तामस तामस तामस, तामस ये तो आसान ट्वेंटी सिक्स ये तो हुआ सर वन हंड्रेड ट्वेंटी सर टोटल क्या आंसर क्या बच्चों सा क्वेश्चन दिया वन हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड बनेंगे टोटल लेकिन जो 120 वर्ड्स आंसर आए ना ये सारे के सारे 120 वर्ड्स डिफरेंट नहीं है इनमें कुछ वर्ड्स यहां पे एक जैसे आएंगे कैसे आएंगे देखो मैं दिखलाता हूं एक वर्ड सपोज मैं एक पी को मानता हूं पी वन एक पी को मानता हूं पी वन दूसरे पी को पी टू तीसरे पी को पी थ्री ताकि हमें अभी ये थोड़े कुछ देर के लिए अलग अलग वर्ड्स अलग अलग, अलग, -अलग, अलग, अलग, अलग लेटर्स लगे कौन से पी 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 जबकि एक जैसे हमारे पास एक वर्ड बनेगा p1 e p2 p3 y आपने बात समझे गए ये तो एक वर्ड बना ओके okay बना अब मैं e और y की पोजीशन चेंज नहीं करूंगा मैं सिर्फ उन लेटर्स या उन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज करूंगा जो एक जैसे हैं तो करते हैं p1 p2 p3 सिर्फ इन अल्फाबेट्स की पोजीशन में चेंज करूंगा और देखता हूं इनकी पोजीशन चेंज करने से मुझे कितने अलग-अलग वर्ड्स बनते हैं मैंने यहाँ पे P1 रखा ओके okay, P1 को यहीं पे रखेंगे E तो अपनी ही जगह P2 और P3 की पोजिशन में बदल दूंगा P3 P2 क्या ये वर्ड इस वर्ड से डिफरेंट है यस yes, डिफरेंट है यहाँ पे इसके P2 है यहाँ पे P3 थ्री यहाँ पे P3 है यहाँ पे P2 है अब मैं क्या यहाँ पे P1 P1 अब मैं यहाँ पे P2 को रखूंगा E यहाँ पे P3 P1 Y पी टू को यहाँ पे ही यहाँ पे पी थ्री पी वन की पोज़िशन बदल दूंगा पी वन पी थ्री अलग अलग वर्ड ना अब यहाँ पे पी थ्री को रखूंगा पी थ्री पी वन पी टू वाई पी थ्री को यहाँ पे वन वाई क्या देखा हमने अगर इस वर्ड में हम ई और वाई को फिक्सड रखे सिर्फ पीस को जो एक दूसरे के सेम है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जो सेम है अलाइक है अगर हम उनकी पोजिशन बदल देंगे तो कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वर्ड्स बनेंगे कब अगर हम सिर्फ जो गिवन तीन ऑब्जेक्ट्स थे ना वो अलग थे अगर हम सिर्फ उनकी पोजीशन बदल देंगे उनकी पोजीशन बदलने से हमें कितनी अलग अलग परमिटेशन बनती है सिक्स परमिटेशन लेकिन अब क्या करो अब इन पीपीज में ये वन टू थ्री हटा दो चलो हटा देंगे देखते हैं क्या मिलेगा अभी तो हमने फॉर टाइमिंग के लिए वन टू थ्री इनके नीचे लिखा था तो वो लग रहा था कि अलग अलग है क्या हमें गिवन में दिया मानना नहीं है ना ये तो हमने बस समझने के लिए क्या था क्या आपको ये अलग अलग वर्ड्स लग रहे हैं क्या ये छह के छह अलग, -अलग वर्ड्स है ये तो एक जैसे छे के छ वर्ड्स एक जैसे हैं तो एक्चुअल जब आपको काउंट करना हो कि ये कितने वर्ड्स कितने अलग अलग वर्ड्स है आप क्या कहोगे आप तो ये तो एक ही है पेपी वर्ड है और कौन सा है ये तो अलग अलग नहीं है एक ही है लेकिन अगर आप इस पे जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ी है, है, है दूसरा है तीन चार पांच छह उसने तो, काउंट करके उसको ये पास कितने आ गए? 120. लेकिन में देखे तो ये वन हंड्रेड ट्वेंटी डिस्टिंग वर्ड्स नहीं बनेगी अब यहां पर क्या करना है कुछ नहीं करना है जो एक जैसे वर्ड्स बन रहे ना उनमें से हमें सिर्फ एक को काउंट करना है इन छह के बदले हमें

फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल अपॉन टू टू से मतलब बात बात समझ में तो यहां पे मैं कितने factorial? Five factorial. आप देखो अगर आपको एन गिवन हो एन गिवन हो लेकिन एन में से अगर आपके कितने ऑब्जेक्ट एक जैसे हो रिपीटेड ऑब्जेक्ट अगर आपके दो हो तो उस टाइम आंसर क्या आता है कितने अलग अलग डिफरेंट परमिटेशन बनेंगी

और वो एन ऑब्जेक्ट सारे के सारे डिफरेंट नहीं हो उन एन ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हो एक जैसे हैं। अब कितने एक जैसे हैं? दो है तीन है चार है पांच है छ है ये सपोज हम माने उन एन में से पी ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पी नंबर ऑफ जैसे दो तीन चार पांच तो हमारा आंसर क्या आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन जितने ऑब्जेक्ट एक जैसे फी फैक्टोरियल अब आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप बताओ वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके आप कितने सिक्स लेटर वर्ड्स सकते हो आपने देखा सर ये कौन से आप तो हमारे आता है चाहे एक जैसे भी वर्ड अल्फाबेट क्यों नहीं हो सर इसमें तो ए रिपीट तो हो रहा है इसमें तो एन भी रिपीट हो रहा है इसमें तो टोटल कितने अल्फाबेट्स थे इसका आंसर तो आता फैक्टोरियल सर ए तो तीन बार आया था हम लिखते तीन फैक्टोरियल नीचे अब इसमें एन भी रिपीट हो रहा है एन कितनी बार रिपीट हो रहा है दो बार कौन सा टेंशन है उस फैक्टोरियल को भी डिवाइड करो ए रे, कर की पोजिशन अगर आप बदल दोगे तो कितने अलग अलग तरीकों से बदल सकते हो थ्री फैक्टोरियल से बिकॉज ये तीन बार रिपीट हो रहा है एन को कितनी बार अगर एन की पोजिशन बदल दोगे तो कितने तरीकों से बदल सकते हो टू फैक्टोरियल वेज इसलिए आ रही ना बात समझ में ये है वेरी इंपॉर्टेंट थॉर्म ऑफ कंसेप्ट का। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने क्या सीखा कि अगर हमें गेउन एन चीजें दी गई हो एन में से अगर कुछ चीजें एक जैसी हो तो फिर अगर हम उन पे प्रीवियस फॉर्म थॉर्मस का यूज करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा तो आंसर ठीक आने के लिए या हम तो जो परमिटेशन काउंट करेंगे वो सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं अगर हमने देखा कि अगर गिवन एन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसी थी तो कितने रिपीटेड परमिटेशन आती थी दो दो रिपीटेड परमिटेशन फिर हमने देखा कि अगर गिवन एन चीजों में से तीन ऑब्जेक्ट्स एक जैसे थे तीन चीजें तो कितनी रिपीटेड परमिटेशन आती थी छमिटेशन छे, छे, छे से मतलब थ्री फैक्टोरियल तो ऐसे ही हमने देखा सिमिलरली अगर गिवन एन ऑब्जेक्ट्स में से चार ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होते तो कितनी रिपीटेड परमिटेशन आती फोर फैक्टोरियल परमिटेशन अब उन रिपीटेड परमिटेशन हम तो क्या करेंगे हम काउंट करेंगे सबको रिपीटेड को भी हम काउंट करेंगे सबको रिपीटेड को भी लेकिन फिर डिवाइड करेंगे हम डैट फैक्टोरियल से जितनी बार कोई चीज रिपीट होती है अगर सपोज गिवन एन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो हम करेंगे टोटल को काउंट सब को काउंट करेंगे चाहे वो रिपीटेड हो या ना हो हम डिवाइड करेंगे फिर टू से टू से डिवाइड करने पे रिपीटेड अलग हो जाएंगे रिपीटेड में से हम एक ही एक ही लेंगे बिकॉज दो को जब दो टू से डिवाइड करेंगे तो एक ही रहेगा फिर ऐसे ही अगर सिक्स परमिटेशन एक जैसी होंगे सिक्स परमिटेशन हम सिक्स परमिटेशन को सिक्स से डिवाइड करेंगे डैट इज थ्री फैक्टोरियल से तो सिक्स में कितने हम फिर काउंट करेंगे एक ही तो चलो ए थॉर्म क्या कहती है कि अगर आपके पास गिवन एन चीजें हो लेकिन उन एन चीजों में पी चीजें एक जैसी हो पी चीजें एक जैसी हो और उन्हीं चीजों में से और चीजें एक जैसी हो लेकिन वो कितनी है चीजें एक जैसी हो ये कहती है तो तब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग अलग अलग परमिटेशन यूनिक परमिटेशनस होता है जितने ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन दिए थे उसका फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल डिवाइड में लिखना है अपॉन में लिखना है एक तरह के ऑब्जेक्ट जो एक जैसे थे वो कितने थे वो पी थे तो पी फैक्टोरियल और दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट अगर क्यों टाइम्स थे तो क्यों फैक्टोरियल से डिवाइड करना था यह इंपॉर्टेंट थॉर्म इस थॉर्म को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे हाउ मैनी हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विथाउट मीनिंग अगर आप लिखोगे एनाग्राम तो फिर ये चीज लिखना जरूरी नहीं है विथ और विथाउट मीनिंग हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग कैन बी फॉरवर्ड कैन बी फॉर्मर्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड रूट आर डबल ओ टी ये हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो कितने लेटर्स लेटर्स के बार? चार के चार वर्ड्स वर्ड्स लिखा है? Words, जब इतना लिखा जाए कि हाउ मेनी वर्ड्स कि इतना आपसे नहीं पूछा जाए हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड्स हाउ मेनी टू लेटर वर्ड्स हाउ मेनी फाइव लेटर दैट्स नंबर ऑफ लेटर्स उसमें मेंशन नहीं किया जाएगा तब आप समझ लेना कि गिवन वर्ड में जितने अल्फाबेट्स है उतने अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है अरे हाउ मेनी फोर लेटर कैन बी फॉरवर्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड रूट कितने चार लेटर्स आप बना चार लेटर के वर्ड्स आप लोग बना सकते हो किन लेटर्स का यूज करके इस वर्ड में जो लेटर्स अल्फाबेट्स यूज हुए उन अल्फाबेट्स का यूज इसमें कितने टोटल अल्फाबेट्स यूज हुए चार तो इन फोर अल्फाबेट्स का यूज करना है अगर ये चार के चार डिफरेंट होते क्या होते हैं डिफरेंट सपो सैंड लिखा होता है यहाँ पे एस ए एन डी सैंड में चारों के चार डिफरेंट है हम कहते हैं चार में से चार को चुनना है इज आता हमारा आंसर लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि दो ऐसे लेटर्स है इसमें जो एक जैसे हैं जो रिपीटेड है तो हम लिखेंगे गिवन एन एन से मतलब नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं टोटल फोर एंड आर क्या है यहां पे आर इज इक्वल टू फोर डेट्स चार में से कितने ऑब्जेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है फोर को and we have o is repeated o repeated o is repeated how many times two times that's your p आपका इसमें था ना theorem ki एक तरह के objects एक तरह के letters रिपीट हो रहा है कितनी बार रिपीट हो रहा है पी टाइम्स पी से मतलब here टू टाइम्स तो ये theorem फिर कहती है इसका हम आंसर लिखेंगे दियर फोर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ ओ रिपीटिंग टू टाइम्स इनमें से ओ रिपीट हो रहा है दो बार इस किसके इक्वल होता है जितने ऑब्जेक्ट है एन फोर है फोर फैक्टोरियल के इक्वल फोर फैक्टोरियल के मतलब ऑल वर्ड्स चाहे आर ओ ओ टी हो आर इन दो ओ को बदल लोगे वो वाला भी सब लेकिन डिवाइड करेंगे उतने फैक्टोरियल से जितनी बार ओ रिपीट हुआ है ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है है दो फैक्टोरियल से तो फोर फैक्टोर होता आपका कुछ अल्फाबेट्स या कुछ लेटर्स या कुछ डिजिट या कुछ पर्सन एक जैसे होंगे आए ना बात समझ में और एक क्वेश्चन करते हैं हाउ मैनी वर्ड्स चलो मैं एनेग्राम लिखूंगा थोड़ा शॉर्ट होगा हाउ मेनी एनेग्राम्स एनेग्राम मीन दो वर्ड्स जिनकी मीनिंग हो या ना हो हाउ मेनी एनेग्राम्स कैन बी फॉर्मड कैन बी फॉर्मड यूजिंग द लेटर्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस तो क्वेश्चन सिंपल है हमें वर्ड्स बनाने हैं चाहे उनकी वर्ड्स की मीनिंग हो या ना हो आप सर कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है उतने लेटर्स का वर्ड बनाना है जितने अल्फाबेट से जितने लेटर्स वर्ड इंडिपेंडेंस में है ओके okay? सर किन का यूज करके यूज करना है उन लेटर्स का जो इंडिपेंडेंस वर्ड में यूज हुए हैं चलो देखते हैं पहले इंडिपेंडेंस वर्ड में कितने लेटर्स है हमें गिवन यहां पे है गिवन लेटर्स आई है एन है डी है ई e है पी है ई e है एन है डी है ई e है एन है सी है यह है तो काउंट करेंगे अब देखेंगे देखेंगे में में से से हमें 12 का यूज़ करना है हम हाँ इन कोई लेटर एक जैसे तो मत है कोई लेटर रिपीट तो मत हो रहा है चलो आई की बात करेंगे आई आ रहा है एक बार आई रिपीट नहीं हो आई यूनिक एन की बात करेंगे yes, N repeats, एक दो तीन बार एन रिपीट हो रहा है एन कितनी बार आ रहा है तीन बार डी भी रिपीट हो रहा है डी दो बार आ रहा है ओके okay? ई e भी आपका रिपीट हो रहा है वन टू थ्री थ्री टाइम्स ई थ्री टाइम्स आ रहा है पी आपका एक ही बार आ रहा है और कोई रिपीट हो रहा है नहीं तो आप लिखेंगे देअर फोर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वर्ड्स इज इक्वल कितने अलग अलग वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इंडिपेंडेंट वर्ड के लेटर्स का यूज करके हमारे पास कितने अल्फाबेट टोटल है ट्वेल्व तो का फैक्टोरियल आएगा न्यूमरेटर में अपॉन में क्या आएगा उस, उस चीज का फैक्टोरियल जो रिपीट हुआ और कितनी बार रिपीट हुआ एन रिपीट हुआ कितनी बार रिपीट हुआ तीन बार तो तीन फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा बिकॉज अगर हम बाकी सारे लेटर्स को फिक्सड रखेंगे एन को हम कितनी बार यहां उनकी उसकी पोजिशन हम कितनी बार बदल सकते हैं थ्री फैक्टोरियल वे से इसलिए हमें बार बार एन को अरेंज करने पे थ्री फैक्टोरियल सेम वर्ड्स आएंगे उन सेम वर्ड्स को एक ही बार काउंट करने के लिए हमें थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है तो डी दो बार रिपीट हो रहा है तो टू फैक्टोरियल आएगा डी का तो means, अगर हम बाकी सारे आई ई e, किसी को को भी सब लेटर्स रखेंगे सिर्फ डी की पोजिशन बदल देंगे डी की बार -बार कितनी तरीकों से बदल सकते हैं से. तो हमें D के लिए एक जैसे उन टू फैक्टोरियल वर्ड्स में से सिर्फ यूनिक एक ही को काउंट करने के लिए हम टू फैक्टोरियल डिवाइड से बात सुन तो ये आएगा, आएगा 12 है, आपका आंसर ट्वेल्व टाइम्स टाइम टाइम्स नाइन टाइम्स एट टाइम्स सेवन टाइम टाइम फाइव टाइम फोर टाइम्स थ्री फैक्टोरियल अपॉन में क्या है इस थ्री factorial को मैं एक्सपेंड करूंगा three times, two times, one. इस थ्री factorial, factorial को मैं ऐसे ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा आज नहीं बात है थ्री टू आपका बन जाएगा कैंसिल आउट टू टूट फोर तो इसको आप मल्टीपल योर आंसर आई होप ये थॉम आपको समझ आई होगी इस पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स कराए इस थॉम पे हमारे दो तीन क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी बनते हैं वो भी हम करेंगे अगर आप आज हमने परमिटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया अगले लेक्चर में आपको परमिटेशन वाली एक्सरसाइज करवाता हूं अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग या प्रीवियस टॉपिक के रिगार्डिंग आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो समझ आया हो कम से कम लाइक दबाना भूलिएगा मत और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किएगा थैंक यू